हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास विथ रवि में। तो आज के हम इस वीडियो में आप सभी को पढ़ा रहे हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग का टाइप नंबर थ्री। टाइप नंबर थ्री आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। टाइप नंबर वन और टू आपको बता चुके हैं और बहुत आसानी से उसको समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या उस पहला टाइप में आपको क्या बताए थे। पहला टाइप में आपको बताए थे अक्षरों की कोड और अक्षरों के रूप में, मानी कि अक्षरों के कोड अक्षरों के रूप में, मानी कि लेटर का कोड लेटर के रूप में। और टाइप नंबर टू में आपको बता चुके हैं क्या, अक्षरों की संख्या अक्षरों के कोड संख्या के रूप में, मानी कि लेटर का जो कोड है लेटर का जो कोड है कोड लेटर हो गया, इसका कोड है जो संख्या में, मानी कि इसका होता है आपका 12। तो मानी कि ऐसे आपको हम बता चुके हैं टाइप नंबर टू में। और टाइप नंबर थ्री में आपको क्या है, संख्या का कोड संख्या के रूप में, संख्या के कोड संख्या के रूप में। आप देख रहे हैं कि संख्या के और संख्या के रूप में ये दिया है। देखिए क्या दिया है, देखिए यदि 53/31 बराबर आपको ले आना है 2, 53/31 बराबर ले आना है आपको 2। अब क्या करना होगा, हमको क्या करना है, जो हम आपको यहाँ पर 2 ला देंगे, कितना से भाग देंगे कि यहाँ पर 2 आ जाए, क्या किया है कि यहाँ पर 2 लिखा है, वो आपको हम बताएंगे। इस टाइप के आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसी टाइप से भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछता है बहुत ज़्यादा। तो मेरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखें, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और रीजनिंग रीजनिंग आप ऐसे गर्दिश कर देंगे, एकदम हिला के रख देंगे, कहेंगे कि हाँ रीजनिंग हम पढ़े हैं। और तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्या किया है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, देखिए दे दिया है आपके इतना इतना बराबर दे दिया है 2, मानी कि 53/31 बराबर दे दिया है 2, 45/27 बराबर दे दिया है 1। और क्या किया है कि यहाँ पर 1, तो अब पूछ रहे हैं आपसे 97/26 बराबर व्हाट, माने कि क्या होगा यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए आपको समझा रहे हैं कि क्या किया है। देखिए 53/31 और बराबर यहाँ पर क्या लिखा है 2, यहाँ पर 2, तो क्या किया होगा तो यहाँ पर 2 लिख दिया है, क्या किया होगा तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो देखिए क्या किया है, तो पहले आप देखिए इसको भागा में है तो इसको बाटा में लिख सकते हैं कैसे, ऐसे देखिए 53/31 53/31 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ती हो गया आप। तो इसको क्या किया है, देखिए कुछ नहीं किया है, इसको आप कर दिया है क्या, जोड़ दिया है 5+3 और 3+1 3+1 ती जोड़ेगा तो आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा आपका 2। क्या किया है, आपको समझ में आ गया क्या किया है, आपको समझ में आया क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस इसको प्लस कर कर जोड़ दिया है, जोड़ कर भागा दिया है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा है। आपको यही ध्यान रखना है, आपको इस रीजनिंग बनाते समय ऐसा क्वेश्चन देता है, ऐसे क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है वो बताते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, देखना है कि आपको क्या किया है, गुणा करके कितना गुणा किया है कि जोड़ा है कि घटाया है, यहाँ पर क्या चिन्ह है वो से आपको मतलब नहीं कि भागा दे दिया तो खाली आपको भागा कटा देना है दशमलव में, नहीं कटेगा तो दशमलव में लिख देंगे, नहीं आपको देखना है कि क्या दिया है, कैसे क्या किया है कि यहाँ पर 2 आपको लिख दिया है, 2 लिखा है। तो आपको क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इसको जोड़ा है 8/4, इसको करेंगे 5+3 और 3+1 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हाँ। तो आपको क्या समझ में आया कि इसको आपका जोड़ा है, इसको जोड़ा है तभी यहाँ पर 2 लिखा है, तभी यहाँ पर 2 लिखा है। आपको गुणा भागा जोड़ घटाओ सबका क्वेश्चन कराएंगे, सबका क्वेश्चन करा देंगे इसी टाइप में, इस टाइप में क्वेश्चन करा देंगे, जिससे परीक्षा में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। तो देखिए ई हो गया, अब इसको आप देखिए क्या करना है, बस जैसे ही इसको बनाए बस इसे इसको भी सॉल्व करिए। तो देखिए क्या करना है, 45/27 और क्या लिखा है आपका 1, तो अब क्या करेंगे इसको, इसको करेंगे कहेंगे 1 1 कैसे लिख दिया है,
वन कैसे देख रही है, तो आइए हम समझाते हैं कैसे लिखा है। देखिए 45 बाई 27 तो लिख सकते हैं, इसको भागा देंगे तो क्या एक आएगा, इसको भागा देंगे तो एक आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए क्या किया है, सबसे पहले इसको आप जोड़ दीजिए, तो 4 + 5 और 2 + 7, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बाई 9, कटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1। आपका क्या आ गया, 1 आ गया। आप क्या देख रहे हैं, आपका इसी आधार पर इसका आंसर देना होता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि बीचवा में जोड़ दे रहा है, बीचवा में जोड़ कर आंसर आ जा रहा है। तो आप जोड़ दीजिए, क्या करना है, आप जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर आप जोड़ दीजिए, तो क्या लिखा है आपका 97, इसका लिखा है आपका 97 भागे 26 बराबर व्हाट, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा। तो आप क्या देखिए इसको आप जोड़ दीजिए, तो 9 + 7 और 2 + 6, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप क्या समझे, आप इसमें क्या देखे कि यहाँ पर भागा दे दिया, हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भागा दे दिया, भागा करने के कह रहा है, यहाँ पर 2 लिखा है। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि क्या कह रहा है, बस ये देखना है आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 कैसे लिख दिया है, ये दिमाग में आपको बैठाना है कि यहाँ पर 2 कैसे लिख दिया है, बस 2 कैसे लिख दिए, भागा करेंगे तो 2 ऐबे नहीं करेगा, गुणा करेंगे तो 2 ऐबे नहीं करेगा, घटाएंगे तो वो 2 ऐबे नहीं करेगा। तो सब आपको ट्राई करना पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे बनाएंगे क्वेश्चन, बनाते बनाते आपका हैबिट बनता जाएगा, आप पकड़ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन पकड़ में आने लगेगा बहुत आसानी से। इस टाइप के क्वेश्चन जितना बनाएंगे उतना पकड़ में आते जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका प्लस, अब आपको बता रहे हैं गुणा, कि गुणा रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 3 बार ध्यान देखना है, क्या ध्यान रखना है, गुणा जोड़ घटाओ, 3 चीज आपको ध्यान रखना है कि क्या कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख ही रहे हैं कि टाइप 3 में आपको क्या है, संख्या के कोड संख्या के रूप में लिख रहा है, संख्या के कोड संख्या के रूप में लिख रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, यदि होगा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आपको पहले भागा वाला बता देते, अब यह हो गया आपका गुणा, ये हो गया आपका गुणा, गुणा दिया है, देखने में गुणा है, अब क्या क्या किया है आपको हम समझा रहे हैं कि अच्छा गुणा करेगा, गुणा करेगा तो 42 आ जाएगा, लिखा है 42, देखिए ना क्या लिखा है, देखिए 5 × 6 = 42 लिख दिया, तो अब गुणा करिए तो 6 × 5 = 30 ना हो रहा है आपका, और क्या करेंगे आप। तो आइए हम आपको समझा रहे हैं कि क्या किया है, देखिए 5 × 6 = 30 30 + 5 + 6 + 1 1, अब जोड़िए तो 42 आ जा रहा है, 30 + 5 = 35 + 35 = 41 + 41 = 42, हाँ 42 तो आ गया। तो आप क्या देखें कि गुणा कर रहा है, देखिए सबसे पहले गुणा कर रहा है और फिर आपका प्लस का चिन्ह दे रहा है और फिर जितना है ना उसको जोड़ रहा है, ही जितना दिया है ना उतना फिर जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, देखिए 5 दे दिया, फिर 5 + 6, हाँ लेकिन है ये वो एक है ना जोन अपना से लेना है, आपको एक लेना है हर में, सब में एक लेंगे तो आपका आ जाएगा 42। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि दे दिए कितना दे दिया है आपका 28, 2 गुड़े
आठ बराबर दे दिया आपका 27। तो आप गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 प्लस, तो प्लस। अब फिर क्या लिखना है आपको, दो प्लस, फिर क्या लिखना है आपको, आठ और एक अपना दे देना है, एक एक बैठा देना है अपना से, ती हो गया एक। तो अब इसको गुणा करिएगा तो 27 आ जाएगा, देखिए कैसे जोड़िए इसको, तो 16 दो 18, 18 चार 18 आठ, 26, 26 एक 27, 27 आ जा रहा है। मेरा नियम काम कर दिया, मेरा नियम काम कर दिया, ये नियम काम कर रहा है। तो आप क्या देखेंगे, आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहले गुणा करना है, गुणा के चिन्ह दे दिया, गुणा कर देंगे, ठीक 16 हो गया, 16 हो गया। अब फिर क्या करना है आपको, दो ये जितना है ना इसको प्लस कर देना है, ये जितना है इसको प्लस कर देना है एक बार, फिर प्लस कर देना है, तो इसको प्लस कर देंगे और एक अपना से ले लेना है, एक अपना से ले लेना, आपको कैसो 42 यहाँ पर लाना है, तो अपना से एक ले लेंगे, सारे में लेना, अभी इसमें एक लेंगे और दो नहीं, नियम सब में सेम होना चाहिए, नियम जो ले रहे हैं नियम सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ पर 27 है, 27 करने के लिए आप यहाँ पर दो रखना है, आप यहाँ पर तीन रख के यहाँ पर एक रख देंगे, तो वैसे नहीं काम करेगा, जो नियम चल रहा है जो आधार पर आप सॉल्व करेंगे उसी आधार पर इसको भी सॉल्व करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपको, अब इसको आपको क्या करना है, देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, तो ये नियम कानून काम कर रहा है, नियम का काम कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 गुणे 0, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, फिर प्लस और फिर 7 आपको लेना है, प्लस 7 और फिर 0 आपको लेना है और फिर एक अपना से लेना है, फिर एक अपना से, हर में ले रहे हैं तो इसमें एक लेंगे, एक ले रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 7 1 8, 7 1 8, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8, आपका आंसर आ जाएगा 8। आप देख रहे हैं कि किस कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में तो आप घबराए जाएंगे बहुत ज़्यादा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे और सोचते रह जाएंगे कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या करना है, देखना है सबसे पहले कि क्या कर रहा है, कि यहाँ पर क्या किया है, कि इतना लिखा है, बस ये ध्यान रखना है आपको। एक बात और ध्यान रखना है कि देखना है सबसे पहले कि जोड़ा है कि घटाया है कि गुणा किया है, ये हो गया। अब आपको दे रहे हैं क्यू वाला सवाल, कि क्यू करेगा कैसे करेगा, गुणा रहेगा उसको आंसर कैसे देंगे, आपको खाली खोपड़वा लगाना है, दिमागवा लगाएंगे ना तो सारा क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे, नहीं लगाएंगे खोपड़वा ना तो उनको कुछ कहीं ध्यान तो उनको भटका भटकाएंगे तो आपका आंसर अभी नहीं करेगा, कितनों कोशिश लाख कोशिश कर लेंगे तो वो आपका आंसर नहीं आएगा, कितनों कोशिश कर लेंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाएंगे बताइए। इसमें आप क्या देख रहे थे, ये गुणा करते तो आपका 30 आ जाता है, गुणा करते तो 30 आ जाता है, यहाँ पर आपका 42 लिखा है, यहाँ पर आपका 42 लिखा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यदि आप इसको बनाते हैं 30 माने कि 6 5 30 लिख देते, 30 लिख देते और कहते कि 12 जोड़ दीजिए ना, 42 आ गया नहीं, तो एगो में 12 जोड़ देंगे, एगो में फिर इसको 16 किए और 12 जोड़िए तो 27 आ जा रहा है, 12 जोड़िए तो 27 आ जा रहा है, कितना जा रहा है, 28 आ जा रहा है, तो नियम काम कर रहा है, नियम काम कर रहा है कहेंगे कि नहीं, तो आपको क्या करना है आपको बता दिए क्या करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हर टाइप से आपको क्वेश्चन लिए कि जिससे आपको दिक्कत ना हो, कि आपको भागा था तो उसको आपको बता दिए कैसे करना है, आपको थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है और दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना है, बस ये बात आपको सवाल बनाते समय आपको ध्यान खाली सवाल पर रहना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतना जोड़ेगा तो 40 आ जाएगा, अरे 40 ले तो ज़्यादा है, ये तो 40 ले ज़्यादा है, आपको दिमाग तुरंत दिमाग लगाना है कि क्या किया है, जोड़ का चिन्ह दे दिए, देखिए जैसे कि 35 + 40 दे दिए 40,
तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि अच्छा ये जोड़ दिया है, जोड़ दिया है तो जोड़ेंगे तो 40 आएगा, नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले आपका देखेंगे कि आपका देखेंगे, पहले देखिए आपको क्या, देखिए क्या किया है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए अब ये तो 40 से ज़्यादा है, तो देखिए इसको आप पहले जोड़ दीजिए, जोड़िए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, और इसको जोड़िए ऐसे, नहीं तो ऐसे देखिए ना समझ में आ जाएगा, 35 है ना, 35 को जोड़िए 3 + 5 बराबर आपका आ जाएगा कितना 8, और 48 को अब जोड़िए, 48 को जोड़िए 4 + खाली बीचा में प्लस देना है, 35 है ना तो 35 के 3 + 5 4 + 8 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, ये हो गया आपका। तो अब इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, इसको जोड़ेंगे 12 + 8 = 20, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, और आपको क्या करना है अब जोड़ दिए तो इसमें आप खाली 2 से गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना, देखिए आ गया 40, ये आ गया 40, आ गया यहाँ पर 40 आपका, 40 आ गया। अब देख रहे हैं कि क्या किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं, देखिए सबसे पहले संख्या की दे दिया है, इसको आप लिखेंगे और जोड़ेंगे, इसमें आपको प्लस दे देना है, खाली बस प्लस दे देना है, जोड़ देना है, तो 8 और 12, और फिर 8 और 12 को जोड़ देना है, 8 और 12 को जोड़ेंगे तो 20, और 20 में तो अब देखेंगे कि क्या से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो अब 2 से गुणा करेंगे तो देखिए अब 2 से गुणा किए हैं, तो प्रत्येक में जोग जोग है तो में 2 से गुणा किए हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो सेम आना चाहिए, 2 से गुणा करेंगे तभी, अब यहाँ पर 2 से कर दिया, इसमें 3 से करेंगे तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब जो नियम कानून है जिसे इसमें प्रत्येक में अब 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर कोई कुछ भी आ जाए 2 से गुणा करना है, तो देखिए अब आपको फिर इसको बता रहे हैं, जैसे कि दे दिए 23 बराबर दे दिया आपका 24, अब आप बताइए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 दे दिया, और 24 से जोड़ेंगे तो ये जोड़ के चिन्ह दिया, जोड़ेंगे तो 24 आ रहा है, कितना आ जा रहा है 57 आ रहा है, तब बताइए क्या किया होगा कि यहाँ पर 24 लिखा है, तो कुछ नहीं, जिसे बताएं उसे आपको करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 इसको आपको जोड़ना है 3 + 4, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 5 + 7, और फिर इसको आप जोड़ दीजिए, इसको फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 5 = 12, और 2 से गुणा करना है ना, 2 से गुणा कर देते, आगे आपका देखिए 24। तो नियम कानून काम कर रहा है, नियम काम कर रहा है कि 2 से गुणा कर रहे हैं ना, इसी में देखिए 2 से गुणा किए ना, 12 से 2 से गुणा कर दिए तो 24 आ गया। अब यदि यहाँ पर आप अंजादे पीछे 40 लाने के लिए कुछ से गुणा कर देते, यहाँ पर कुछ और से गुणा कर देते, गलती आ जाएगा आपके आंसर। जो कानून नियम जा रहा है वही नियम से सबका सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब तो देख रहे हैं कि नियम सब जा रहा है सेम पर, इस पर सेट हो गया, सेट हो गया, तो आपको इस पर बनाना है। तो आपको देखिए अब क्या कर दिया, दे दिया आपका 11, अब आंसर आपको इसका देना है, तो देखिए आपका हो जाएगा 11 + 21 और दे दिया आपका यहाँ पर व्हाट, अब क्या होगा यहाँ पर, तो आप क्या जान रहे हैं कि देखिए 11 तो 1 + 1 + 2 + 1 = अब इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस है तो चिन्ह प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 3, और फिर क्या करना है इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 10, आपका आंसर आ जाएगा क्या 10 आ जा रहा है आपका 10। तो आप देख लिए कि कैसे देख रहा है क्वेश्चन, आप देख लिए ना कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है, दिमागवा हिल जाएगा बनाते समय, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा, तो इसीलिए आपको आपके बीच ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप कभी परीक्षा में देखें तो उसको कंफ्यूज ना होके आप इसको इजीली बना लेंगे कि कौन कैसे बता रहा है क्या कह रहा है, आप उसको बना लेंगे। तो चाहते हैं आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा वीडियो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको
मिले तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर देवे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के दबा दिए, जिससे अगला वीडियो लेके आए तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको वीडियो। ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और हो कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके दिल छू गया होगा, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूले, शेयर जितना करेंगे उतना अच्छा होगा, आप मेरे चैनल को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।